could drop into the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. पता नहीं यार मैंने लगाई है इस साइड में, शायद मैंने लगाई है उस साइड करने के चक्कर में थोड़ा सा हमारा जो रियर व्यू साइड मिरर है वो टूट चुका है, देख रहे हो। दुख हो गया भाई। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉल्फिन नोज की तरफ। तो डॉल्फिन नोज पे आने के लिए आपको जस्ट अल्ताफ कैफे है, वहाँ पे अल्ताफ कैफे के जस्ट बगल से डॉल्फिन नोज के लिए रास्ता जाता है। तो रास्ता कुछ ऐसा है, आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा थोड़ी दूर तक, कुछ ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है तो फिर भी अराउंड 500 से 700 मीटर के करीब ये ट्रैक है, जो कि थोड़ा सा स्लिपरी रहेगा तो आपको थोड़ा ध्यान से चलना है। 12 seconds later. तो अभी का रास्ता आप देख सकते हो कैसे धुंध आ गई है रास्ते में एकदम से। यहाँ की खासियत यही है, यहाँ पे हर एक मिनट बाद चेंज हो रहा है, कभी धुंध आ रही है, कभी हल्की सी बारिश हो रही है, तो कभी धूप निकल जा रही है। मेरे पीछे वो अभी जो आप लोग भीड़ देख रहे वहाँ लगी हुई, ये है डॉल्फिन नोज। तो यहाँ के लिए लोगों को इस पॉइंट के लिए इतनी हाइप हो रही है, आप देख रहे हो। कैसे लोग अपनी जान पे खेल के आगे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक्चुअल में क्या है ये, एक्चुअल में ये एक जो पत्थर है जो कि थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है और देखने में शेप वाइज वो डॉल्फिन नोज की तरह दिख रहा है दिखने में, तो उसके लिए इतना क्रेजी हो रहा है, लाइन लगी हुई है वहाँ पे, देख रहे हो लिटरली, देख रहे हो कम से कम 15-20 लोग खड़े हुए अभी लाइन में फोटो करने के लिए। तो चलिए यहाँ से हमको लगता है जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि फ़ोटो खिंचवाने के लिए या कोई शॉट लेने के लिए वहाँ पर कम से कम हमको 25 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। चलिए निकलते हैं हम अगले किसी व्यू पॉइंट पर चलते हैं, तो आपसे वहाँ मिलते हैं। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह का नाम है कोकर। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ से जो व्यू दिखते हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू दिखते हैं। मेरी तरफ आप देखिए इस तरफ। अभी हम लोग इस पॉइंट पे है, उसको बोलते हैं अपर व्यू लेक। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे, इस पॉइंट से आप पूरे कोडाइकनाल का एरियल व्यू देख सकते हैं और सामने आपको लेक दिखाई दे रही होगी, और लेक का आपको बहुत ही शानदार एरिया दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर यहाँ पे हमेशा धूप रहती है, एरिया में धूप रहती है, और यहाँ की जैसा कि मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे 15 मिनट के बाद मौसम चेंज होता रहता है, कभी फोग आ जाती है, कभी बारिश हो, कभी धूप। फोटोग्राफर भाई साहब के वो देख रहे हो डेडिकेशन कितनी तकड़ी है। यहाँ पे पीछे लेक व्यू पॉइंट है ना पीछे में, तो उसको एंगल बनाने के लिए ये भाई साहब देखो कहाँ सीढ़ी में चढ़ के फोटो ले रहे हैं यार, मतलब कि हर कुछ है। वो देखो वहाँ खड़े होके बंदा इन लोगों की फोटो ले रहा है ताकि एंगल सही बन जाए, लेक का एंगल आ जाए पीछे, बैकग्राउंड में लेक भी चाहिए ना। सही है यार, ये तो फ्लैश भी लगा रखी है रोड में। तो ये शाम हो चुकी है, अभी जिस जगह पे हम लोग पहुंचे हैं उस जगह का नाम है गुना केव्स। तो फिलहाल ऐसे यहाँ पे मुझे केव्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है,
ये जो आप देख रहे हो पीछे ट्रीज है बड़े बड़े बहुत पुराने पेड़ है ये नीचे जो रूट्स है वो बाहर विजिबल हो रहे हैं हमको दिख रहे हैं तो इसी की वजह से ये टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बन चुका है तो ये भी एक व्यू पॉइंट है कोडाईकनाल का गुना केव्स गाइस गुना केव्स के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पाइन फॉरेस्ट में तो ये कुछ अराउंड 500 मीटर के करीब ही है बाय वॉक यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा ट्रैफिक का इशू रहता है और ये वैसे भी ये रास्ता वन वे है तो आप लोग बाय वॉक आइए 500 मीटर दूर है ज़्यादा दूर नहीं है और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि गुना केव्स के मुकाबले मुझे यहाँ की जगह काफ़ी शांत लगी है तो एटमोस्फेयर यहाँ पर जाना अच्छा है चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे सारा दिन घूमने के बाद लास्ट पॉइंट हमारा जो बचता है वो बचता है लेक कोडाईकनाल लेक तो फाइनली मैं लेक पे पहुंच चुका हूँ शाम का नाइट है तो थोड़ा सोच रहा हूँ भुट्टा खा लेते हैं वैसे हम पंजाबी में इसको छली बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो ठीक अभी मैं आपको दिखाता हूँ लेक का ड्रोन शॉट्स चलो सवा सात और ठंड इतनी हो रही है यहाँ पे आप लोगों को क्या ही बताऊँ टेम्परेचर होगा कुछ 12-13 डिग्री के आसपास और ठंड में कॉफ़ी पी रहा हूँ बैठ के क्योंकि थोड़ी सी गर्मी पड़ जाएगी कॉफ़ी से और कॉफ़ी के साथ साथ थोड़े मिर्ची के पकौड़े देखे हैं तो क्यों ना मैंने थोड़े मिर्ची के पकौड़े भी खा ही ली जाए तो ठंड तो है भाई कोडाईकनाल में हाँ मान गया मैं साउथ इंडिया में ठंड होती है चलिए मिलता हूँ आपको आगे किसी जगह पे फिलहाल मैं पकौड़े खाता हूँ आनंद लेता हूँ गर्मा गर्म पकौड़े ठंडे हो जाएंगे नहीं तो ठीक है चलिए बाय दोस्तों साउथ इंडिया की एक खास बात यह है कि अगर आप यहाँ के किसी भी स्टेशन में जाते हो तो वहाँ पे आपको लोकल होममेड चॉकलेट जरूर मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इनमें बेइंतहा वैरायटी है शुगर फ्री तक की चॉकलेट यहाँ पे हम तो ऐसी ही चॉकलेट शॉप के बाहर मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ और मैंने अपने लिए कुछ परचेज किया ये वाली चॉकलेट कुछ ये है आलमंड वाली है शायद खा के इसका टेस्ट करता हूँ मैं निकाल कर पीओगे अच्छा है कुछ अंदर से टेस्ट अच्छा है इसलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन चलिए कोडाईकनाल को अलविदा बोलने का टाइम हो चुका है सुबह के 4:30 हो चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ वापस अपनी मंजिल चेन्नई की तरफ तो अब निकलना चाहिए मुझे क्योंकि रास्ते में मैं भी अपने ट्रैकिंग मेरे क्योंकि मेरे टाइम में पहुँचना है तो जाके अपने वापस अपने दुनिया में वापस जाना है काम पा टीवी तो निकल कर रहना चलिए मिलता हूँ आपको रास्ते में कहते बाय बाय कोडाईकनाल गुड मॉर्निंग एवरीवन तो सुबह हमने स्टार्ट किया था कोडाईकनाल से 4:30 AM पे
तो 7:30 अराउंड हम लोग त्रिची पहले हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। कुछ 220 किलोमीटर हम लोगों ने 3 घंटे में निकाल दिया है। सुबह का हमने फ़ायदा उठा लिया बढ़िया, क्योंकि वहाँ जो मेन रोड था वो वही पीछे वाला एरिया सारा ट्रैफिक वाला था। अब तो मेन साइड भी आ गया चेन्नई वाला रोड, तो होपफुली आफ्टरनून तक हम पहुँच ही जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं रास्ते में कहीं पे, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है। ठीक है, भाई साहब बहुत बढ़िया। तो गाइस फाइनली हमारे कोडाईकनाल जाने के 1000 किलोमीटर हो गए हैं और हमारी बाइक के हो गए हैं आज पूरे 10000 किलोमीटर। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 1080 किलोमीटर हो गया है, क्योंकि मैंने 70 किलोमीटर के बाद भी ट्रिप किया था। अभी मैं चेन्नई पहुंचने वाला हूँ, अराउंड सुबह 4:30 बजे निकला था कोडाईकनाल से। अभी टाइम हो गया है कुछ 12:30 हो गए हैं, चेन्नई यहाँ से होगा कुछ 100 किलोमीटर के आसपास। रुकता रुकता आ रहा हूँ, 2-3 ब्रेक ले लिया आराम से, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत है। चलो यहाँ से निकलते टाइम आपको मिलता है। ऑलराइट गाइस, हमारी कोडाईकनाल की जर्नी यही ख़त्म होती है। मेरा जो कैमरा मैन वो भी मेरा राइडिंग पार्टनर है, उसको छोड़ने का समय यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगली किसी जर्नी में। बाय बाय, ठीक है।